हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है 3 स्टार वाले पुलिस को क्या कहते हैं? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी, गर्भगृह में तीर्थयात्रियों को मिली दर्शन की अनुमति। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब उन्हें गर्भगृह में जाने दिया जाएगा, जिससे भक्त 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके पूजा अर्चना कर सकेंगे। इससे पहले श्रद्धालुओं को सभा मंडप से बाबा केदार के स्वयंभू लिंग के दर्शन कराए जा रहे थे। यात्रा में आई कमी को देखते हुए बद्री केदार समिति ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। शुरुआत से ही बाबा के दर्शनों के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। खराब मौसम के बावजूद भी पहले जहां 25,000 के करीब श्रद्धालु हर दिन पहुँच रहे थे, वहीं अब यात्रा में भारी कमी आ गई है। केदारनाथ दर्शन के लिए इन दिनों 8,000 के करीब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को गर्भगृह के भीतर जाने की अनुमति दी है। एस जयशंकर ने कहा, ई पासपोर्ट सेवा का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू, AI का होगा इस्तेमाल। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई पासपोर्ट सेवा का दूसरा चरण यानी 2.0 शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा कि हम जल्द ही नए और उन्नत ई पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का संस्करण 2.0 शुरू करेंगे। बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी देते हुए बताया कि नए चरण में उन्नत ई पासपोर्ट को शामिल किया जाएगा, जिसमें डेटा की सुरक्षा ज्यादा होगी। विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए पासपोर्ट में चिप सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। पासपोर्ट सेवाओं के लिए आधुनिक और डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें AI का भी इस्तेमाल होगा। इससे पासपोर्ट बनाने की मौजूदा प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान और सुगम हो जाएगी। रूस में वैगनर ने किया रोस्तोव पर कब्जे का दावा, राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को दिए ये आदेश। यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रूस के भाड़े के वैगनर सैनिकों ने रूस के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया है। वैगनर के चीफ प्रोगोजिन का कहना है कि उनके 25,000 से ज्यादा सैनिक रूसी नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मॉस्को की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया है। उनका कहना है कि वैगनर प्रमुख ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते रूस के साथ विश्वासघात किया है। वैगनर विद्रोह रूस के लिए घातक है। पुतिन ने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर कोई देशद्रोही है। सेना को इससे निपटने के लिए सभी जरूरी आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैगनर ने रूस को धोखा दिया है, उन्होंने सेना की पीठ में छुरा भोंका है। इससे पहले रूसी सेना ने कहा कि वैगनर के भाड़े के सैनिकों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, जो मॉस्को के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह बंद करके लौट आएंगे। इस बीच वैगनर चीफ ने रोस्तोव शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। उनका कहना है कि वो शहर के आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी शेयर किया। दरअसल रोस्तोव में स्थिति तनावपूर्ण है। रोस्तोव में नागरिक और सैन्य प्रशासन का काम रुक गया है। रोस्तोव शहर यूक्रेन युद्ध के लिए काफी अहम है। यूके आर्मी इंटेलिजेंस का मानना है कि वैगनर सेना का विद्रोह रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। मिस्र पहुंचे पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, पीएम मुस्तफा मैडबोली ने किया रिसीव। खबर है कि अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मिस्र के पीएम मुस्तफा मैडबोली खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी यहां 2 दिन रहने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय भी करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। बता दें कि पीएम मोदी मिस्र की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अलावा पीएम हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी जाएंगे। यहां पर पीएम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
बीसीसीआई का यू टर्न, एशियाई खेलों में शिरकत करेगी टीम इंडिया, इस फॉर्मेट में खेले जाएंगे मुकाबले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई अपनी पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों को आगामी एशियाई खेलों 2023 में शिरकत करने के लिए भेजेगी। बीसीसीआई ने पहले एशियाड में अपने टीमों को भेजने से इनकार कर दिया था। चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों में क्रिकेट की प्रतियोगिताएं T20 फॉर्मेट में खेली जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, चूंकि जब एशियाई खेलों का आयोजन होगा उसी समय भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेल रही होगी, ऐसे में एशियाड में बीसीसीआई पुरुष वर्ग में अपनी बी टीम भेजेगी। वहीं महिला वर्ग की बात करें तो भारत की टॉप महिला क्रिकेट टीम एशियाड में अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में होगा। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 23 नवंबर तक खेले जाएंगे। बीसीसीआई 30 जून तक खिलाड़ियों की लिस्ट भारतीय ओलंपिक संघ को भेजेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। रूस के वैगनर ग्रुप की ओर से तख्तापलट की खबरों के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निशाना साधा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर तीखा हमला करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जेलेंस्की ने यह तीखी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में दी है जब पुतिन वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रूस के भाड़े के वैगनर सैनिकों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया है, जिसके बाद रूस में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे पहले रूस में यूक्रेन के एक शहर पर बीती रात हमला किया गया था जिसमें कई यूक्रेनी नागरिकों की जान गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मॉस्को में मौजूद रूसी सेना के मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय को वैगनर ग्रुप ने घेर लिया है और कब्जा कर लिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने देश में पैदा हुए मौजूदा हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीठ में झुरा भोंकने को वाले को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कोल इंडिया के कर्मचारियों को सरकार ने दी खुशखबरी, वेतन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। खबर है कि कोल इंडिया लिमिटेड के गैर कार्यकारी कर्मचारियों को कोल इंडिया ने खुशखबरी दी है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ हुए वेतन संशोधन समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत 1 जुलाई 2021 से परिलब्धियों पर न्यूनतम गारंटी बेनिफिट का 19% मूल, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, विशेष महंगाई भत्ता और उपस्थिति बोनस के अलावा भत्तों में 25% की वृद्धि का प्रावधान है। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया 45 करोड़ का बना हुआ मध्य प्रदेश का पुल, केंद्रीय मंत्री ने किया था इसका लोकार्पण। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पहली बारिश ने भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रख दी है। करोड़ों की लागत से बने हुई जामनी पुल में दरार पड़ने से उसकी गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मौसम की पहली बारिश भी ये पुल नहीं झेल पाया। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा में इस पुल का लोकार्पण किया था। दरार की सूचना पर निवाड़ी प्रशासन हरकत में आ गया और उस जगह पर पत्थर और बैरिकेड लगाकर आवागमन रोक दिया गया जहां दरारें पड़ी हैं। बता दें कि यह पुल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के झांसी को जोड़ने वाली सड़क पर बना हुआ है। पुल में आई लंबी दरार से प्रशासन की सांसें ऊपर नीचे हो गई है। जामनी नदी पर बना हुआ 820 मीटर का यह लंबा पुल है, जिसमें 150-150 मीटर दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाया गया है, जिसकी लागत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पुल के बन जाने से लोगों को 30 किलोमीटर का सफर कम तय करना पड़ता है। यूपी और बिहार के लोगों के लिए आई एक खुशखबरी, यहां पर चलेगी अब एक और वंदे भारत ट्रेन। खबर है कि बिहार के लोगों को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत लगभग हो चुकी है। यह ट्रेन पटना से चलकर रांची को जाएगी, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी जल्द ही बिहार को मिलने जा रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक और वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। पटना रांची रूट के बाद बिहार के सीमांचल से यूपी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव सामने आया है। इसका फायदा कटिहार, अररिया, पूर्णिया के अलावा बिहार के अन्य कई जिलों को मिलने वाला है। बता दें कि रेलवे बोर्ड जल्द ही कटिहार से बनारस के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने पर मुहर लगा सकता है। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक कटिहार से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड जल्द ही कोई आम फैसला लेने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों के मुताबिक कटिहार रेल मंडल के अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव इसे लेकर भेज दिया है।
केंद्र सरकार ने मणिपुर की स्थिति को लेकर की सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस टीएमसी समेत कई दलों ने लिया इसमें हिस्सा। खबर है कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। मणिपुर में मोइती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई को भड़की हिंसा में अब तक लगभग 120 लोगों की जान चली गई है और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के नेता ओकाराम इबोबी सिंह, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी के नेता कोनराड संगमा, शिवसेना यूपीडी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, अन्ना द्रुमक नेता एम थम्बी दुरई, बता दें कि द्रुमक के नेता तिरुचि शिवा, बीजद के नेता पिनाकी मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता मनोज झा इसमें शामिल हुए। मोइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन द्वारा 3 मई को आहूत आदिवासी एकता मोर्चा में हिंसा भड़क गई थी। शाह ने पिछले महीने 4 दिन के लिए राज्य का दौरा किया था और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात भी की थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर गरजे लड़ाकू विमान, एयर स्ट्रिप पर रनवे तैयार। खबर है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान रनवे पर टच डाउन किया। इनमें सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और C-130 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। ये विमान एयर स्ट्रिप पर रनवे को छूकर उड़ गए। वायुसेना के अधिकारी नागरिक और सैन्य पदाधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण के रूप में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर विमान का संचालन किया गया। फ्लाइट प्लेन के टचडाउन के लिए प्रशासन ने 24 जून और 25 जून को 3.5 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। इसे वायुसेना को हैंडओवर किया गया। बता दें कि वायुसेना के इमरजेंसी लैंडिंग के विमान की प्रैक्टिस के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ये क्षेत्र लखनऊ से गाजीपुर तक बने हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सीतापुर जिले में आता है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। उद्घाटन के वक्त भी वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान को उतार कर करतब दिखाए थे। उस वक्त पीएम मोदी ने भी एयर स्ट्रिप क्षेत्र का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी तट, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ तीव्र बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ अच्छी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, केरल, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की आशंका है। आज का सुविचार, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।